तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही मैं दीवानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले पाकिस्तानियों को, जिंदाबाद, और आपको ये जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और मुझे इस बात पर आज फ़ख्र करना चाहिए कि रब ने मुझे तौफीक दी कि मैं आज इस कुर्सी पर बैठ सकूँ और अपने लोगों की आवाज़ की पहचान बन। वंस अगेन वेलकम बैक, आप सबको जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं। यकीनन जो लोग बाहर भी हैं उनका दिल भी पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है, और हम तो पाकिस्तान में हैं, और यहाँ पर जश्न आज़ादी का समय ही बड़ा मुख्तलिफ है। और इस बार तो वैसे भी आज़ादी को बहुत ही पुरजोश तरीके से जो है वो मनाया जा रहा है, गो के बड़े अजीब से इंसिडेंट्स भी रहे, लेकिन हम अपने गमों को और अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाने वाले लोग हैं, तभी लोग हमसे डरते भी हैं और इस तरह के जो अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ हैं ये भी करते रहते हैं। अभी मैं बात यही कर रही थी कि मुश्किलात बहुत हैं, टेंशन्स भी बहुत हैं, घर से बाहर निकलो तो परेशानियाँ, घर में बिजली नहीं, पानी नहीं, ये सब नहीं, हम इन चीज़ों से ही नहीं निकल पाते, तो हमने बाकी और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक शख्स कैसे सोचे? जब वो अपने घरेलू मसाइल से ही नहीं निकलेगा तो वो ये कैसे सोचेगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कुछ करूँ? क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो है ना, एक तो बहुत ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हमें इस बात का एहसास करना होगा कि फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं उसमें हर कोई काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बड़ा आसान गुजार रास्ता बताऊं या बड़े आसान से सफ़र पर चलने को कहूँ, वो सफ़र तो हर कोई तय कर सकता है, लेकिन इंसान की काबिलियत का, उसके अंदर के की ताकत का, उसकी कुव्वत का, उसके शऊर का उसी वक्त अंदाज़ा होता है, उसी वक्त पता चलता है जब उसके सामने मुश्किलात आती हैं। जैसे कि अभी आपने इस बच्ची से सवाल किया कि जी आप पढ़ना चाहती हो, आप लिखना चाहती हो, लेकिन लाइट नहीं होती, सड़कें ख़राब हैं, सब कुछ है, सही है, लेकिन यही वो कौम है। देखिए, आपने इनके नाम के आगे जो पाकिस्तानी लगवाया ना, ये हमको डिफ्रेंशिएट करता है दुनिया की दूसरी कौमों से। ये वही कौम है कि जिसने जब 1965 की जो जंग हुई, ये वही कौम है जो उस वक्त एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के दुश्मन के आगे खड़ी हो गई थी। फौज तो फौज अपना काम कर रही थी, लेकिन फौज को जो एक आप कह लें मोरल बैकअप सपोर्ट जो था वो आवाम का हर तरीके से मौजूद था, वो आज भी मौजूद है। ठीक है, आज आप देख लीजिए कोई भी क्रिकेट का मैच हो, पाकिस्तान में मेजर टाइटल जीते तो आपके सामने ये कौम अपनी टीम को कैसे वेलकम करती है। आप फिर अगर ये तो हमने खुशी वाले लम्हों की बात की, अब आप ये देखिए कि ये वही कौम है कि जब सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल होता है तो ये वही कौम है जो बजाय इसके कि डर के अपने घरों में बैठ जाए, ये वही कौम है जो कहती है कि नहीं, हम अपने स्कूल खोलेंगे, भरपूर तरीके से खोलेंगे, बल्कि जो एक्टिविटीज़ तालीमी सरगर्मियाँ जो पहले हो रही थी इस वाक़े से वो और मजीद निखार कर आगे पेश करेंगे। हाँ, आप तो ये बात करें, यहाँ अभी कुछ दिनों पहले जो क्वेटा में सानिया हुआ, अगर हम उसकी भी बात कर लें तो वहाँ पर भी देखें कि पहले एक टारगेट किलिंग के बाद एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट किया गया और उस पर भी लोग डरे नहीं कि कहीं कहीं दूसरा ब्लास्ट ना हो जाए। लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर लोगों की इमदाद करते रहे, एक दूसरे को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते रहे। उसमें वुकला की भी शहादतें हुई, सहाफ़ी बरदरी के भी कैमरामैन भी शहीद हुए, उसमें डॉक्टर्स भी थे, उसमें स्टूडेंट्स भी थे, पाकिस्तानी थे जो उसमें शहीद हो गए, और वो एक मज़मूम कार्रवाई की गई दुश्मन की तरफ से कि हमें कमज़ोर किया जाए, इस आज़ादी के महीने में जो है वो हमें शेक किया जाए। लेकिन क्या सर, हम डरने वाले लोग हैं? ऐसी चीज़ों से हम डर जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी पूरी तारीख आज़ादी के बाद की भी,
जितनी जंगें हमने लड़ी, जितने अधवार आए, जितने जलजले आए जी, जितनी तकालीफ हुई, और फिर दहशतगर्दी के जितने वाकयात हुए, बशमूल उसके जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, ये दहशतगर्दी हो क्यों रही है? हो ही इसलिए रही है कि वो समझते हैं कि हम सख्त जान भी हैं और अपने इरादों के पुख्ता कार भी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, और फिर ये बात भी वो जानते हैं कि जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए तो फिर इन सब के मनफी इरादे ख़त्म हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे, इसलिए वो हमें डराना चाहते हैं। लेकिन हमारे हालात बता रहे हैं कि हम इस पर ईमान रखते हैं कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये बादे मुखालिफ से घबराने वाले हम नहीं हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि इससे हम और ऊंचा उड़ेंगे और उड़ रहे हैं। ये जज्बा आज के दिन आज़ादी के दिन और रासिख होता है कि वो जो लाखों अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी का ये परचम दे गए थे, अब उनकी रूहों का तकाजा यह है कि हम इसके भी हिफाजत करें और ऐसा कोई वक्त भी आ जाए तो अपने यहाँ इंतशार ज़हनी की बजाय एक इस्तकामत, इस्तकलाल, पामर्दी, जवामर्दी, हौसला और बुलंद हौसले की दिखाएं। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, यकीनन बच्चे भी इस वक्त जो हमारे ये भी हैं, इनके सामने भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस कम उम्र में ही बड़े इंसिडेंट्स देखे, चाहे वो APS का इंसिडेंट हो या पहले तो कुछ दिनों के फ़र्क से ही आप बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें सुनते थे या टारगेट किलिंग की खबरें सुनते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हालात बहुत बेहतर हो गए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, कि अब कम से कम वो वाली सिचुएशन नहीं है। और यहाँ पर उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी जिन्होंने हालात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया, और उनसे दरख्वास्त भी जो इसको बेहतर करने में अपना और किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगी। मैं उनसे यही कहूँगी कि उन्होंने जो भी काम किया, जिस तरह चाहे ज़रब अज़ब हो या वो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह भी चाहते हैं कि अमन के लिए कोशिशें की जाएं, उस पर हम उनको सराहते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। कोई भी फोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, सहाफ़ी बरादरी हो, एक आम पाकिस्तानी हो, जो भी अपना किरदार अपने हिस्से में अदा कर रहा है, हम उसको आज के दिन सलाम पेश करते हैं। और हम यही कहते हैं कि अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और आप अपने घरों में खैरियत से वापस जाएं और अपनी खुशियों को और अपनी ज़िंदगी को खैरियत के साथ जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। जो बच्चे हैं यहाँ पर, मुझे ये बताओ कि आप लोग यकीनन अपने अपने एक सिचुएशंस में रहते हुए कुछ ना कुछ सोचते होगे, पाकिस्तान के लिए करना चाहते होगे। क्या सोचा है, क्या जो है वो डिलीवर करोगे इस अपने नाम के साथ? क्योंकि आज मैंने पाकिस्तानी लगा दिया है। अब जब भी कोई चीज़ अपने लिए लिखोगे, इवन कि अपनी बुक्स में भी अपने नाम के साथ लिखा करो पाकिस्तानी, बड़ा अच्छा लगेगा। लोग भी पूछेंगे ये क्या लिखा है। फेसबुक पर ID पर अपने लिखो, लॉग इन करते ना सब, दुनिया भर में जाते हो तो पता चले कि पाकिस्तानी है, लिखा आज के बाद अपने नाम के साथ। तो बताओ ये जो आज से तुम लोगों को एक नए नाम के साथ एक आगे चीज पाकिस्तानी मिल गया है, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए वैसे भी क्या प्लानिंग है, क्या करना है आगे? सबसे पहले तो सारी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए, जो हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें अपने मुल्क के लिए जो करना है हमें वो उनको पूरा करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो एजुकेशन ही आती है। एजुकेशन और हमारे कंट्री की जो लॉ है, जो बेसिक लॉ है, जो को मतलब ज़्यादातर लोग जो फॉलो करते ही नहीं है, जो करनी भी चाहिए। सिग्नल पे वही मुझे सिग्नल की बात आई सबसे पहले दिमाग बड़ी में, बातें लेकिन तो बाद में करेंगे, पहले छोटी बातें कर लेते हैं। यही बेसिक जो चीज़ें होती हैं, सिग्नल पे रुकना और कचरा नहीं फेंकना बाहर अपने घरों से, और ये सारी चीज़ें जो अपना घर साफ कर लेते हैं लेकिन आप बाहर रोड गंदी कर देते हैं, और कभी जब ज़्यादा गंदगी होती है तो आप कहते हैं कि यूनियन और उन सब का मसला है कि उन्होंने सफाई नहीं की। तो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पहले आप खुद अपने घर से शुरू करेंगे तो फिर मुल्क में होगा। तो मैं भी यही करना चाहूँगी कि पहले मैं अपने आप से शुरू करूँगी, उसके बाद जाहिर है जब अपने घर से शुरू होगा तो उसके हल्के हल्के वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, आप क्या कहना चाहोगी इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने मोहब्बत करनी चाहिए अपने आस पड़ोस, मतलब मोहल्ले वालों से, और सब मत, ऐसे मत कहो आस पड़ोस मोहल्ले वालों से, लोग गलत समझेंगे। हम अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात। हमें अपने घर की सफाई के साथ साथ बाहर की भी सफाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने घर का कचरा उठा के बाहर फेंक दें। हमें अपने घर के साथ साथ बाहर की भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा घर है। राइट, वेरी ट्रू, वो भी हमारा घर है। सो ये जो आज हम बात करें ना, जिस तरह मैंने भी स्टार्ट किया पाकिस्तानी, कहते ही दिल को बड़ी खुशी मिलती है। ये जो नाम है, ये जो हमारी पहचान है,
इसको भी जब चुना गया होगा तो इस पर भी बड़ी डिबेट हुई होगी, बड़ी इस पर जो है वो बैठकें हुई होंगी, नशस्तें बिठाई गई होंगी, लोग जमा किए गए होंगे, उसके बाद इसका जो है इंतखाब किया गया होगा। तो ज़रा इस नाम के हवाले से बताइए। वो इतना अच्छा सवाल किया है मेरी बेटी आपने, थैंक यू। इसलिए कि ये एक जो जहन में ख्याल है ना जो आपने अभी इसका इजहार किया वो साफ होना चाहिए जी। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा। पहले मुझे एक लम्हा दे दो, मेरी ये इसने नवासी पोती जो भी भांजी भतीजी है उसने जो बात की थी मोहल्ले के हवाले से मोहब्बत के, तो वहाँ वो ये बात करने बहुत अच्छा लगा। लाइवली यही अंदाज है और आज के दिन का तकाजा भी यही है कि हम शेयर करें अपने जहनों को दूसरे जहनों से, सामने लाकर बताएं कि इनमें क्या है, हमें ढकना छुपाना नहीं है। तो वो इकबाल का शेर है ना कि यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर, उस तरफ इशारा किया था। अच्छा ये बताऊँ, बहुत ही अहम सवाल और हमारी नस्ल को मालूम होना चाहिए, वो उन्हीं के जहन से करीब ये सवाल है जो आपका है। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान का नाम जिस शख्सियत ने तजवीज़ किया था उनका नाम था चौधरी रहमत अली जी। और इनके लिए जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि उनका एक ताल्लुक नौजवानी में ऐसे फ़ैसलों से था जिनके लिए अभी इन्होंने पूछा है आपसे और आपने एतमाद से जवाब दिया। सुनिए, वो 1897 में पैदा हुए थे और 1914 में वो इस जगह आ गए लाहौर के इलाके में और इस्लामिया कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब अंदाज़ा लगाइए 1914 में वो उस वक्त 17 साल के थे। ठीक है। 1915 में इंटर में थे वो अभी,